गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये इस ट्रायंगल चैप्टर का पहला सेशन है। इस सेशन में हम लोग ट्रायंगल्स कितना टाइप का ट्रायंगल्स हो सकता है और दो और तीन सम इम्पॉर्टेंट जो टर्म है इससे रिलेटेड ये वाला डिस्कस करेंगे। और कॉन्ग्रुएंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन स्केलेटन है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो रूल है कॉन्ग्रुएंस का पहले एक्सरसाइज के लिए, और जब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब उसके लिए और दो रूल्स आएगा। तो ये दो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स कितने तरीके का होता है। तो पहला है जिसको हम इसको कर सकते हैं ट्राइंगल्स को, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर साइड्स के बेसिस में हम लोग देखेंगे तो ट्राइंगल्स तीनों तरीका का होता है। ट्राइंगल्स एक आता है स्केलिन ट्राइंगल, दूसरा आता है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, और तीसरा आता है हम लोग का इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो पहला जो है वो है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल पहला आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल कौन सा है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड्स अनइक्वल है, तीनों की तीनों साइड ही अनइक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। मतलब ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा, इसको हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल, कि तीनों साइड ही अनइक्वल होता है, कोई भी साइड किसी दूसरे साइड से ये इक्वल नहीं होगा, तीनों का तीनों साइड अनइक्वल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। दूसरा वाला आता है आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल दूसरा वाला आएगा हम लोगों का आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल किसको बोलेंगे? एक ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्राइंगल। मान लो कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो दो साइड मेरा इक्वल होगा, मतलब इस साइड वाला इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्राइंगल। और लास्ट वाला आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। लास्ट जो है वह इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड ही इक्वल है, तीनों का तीनों साइड ही इक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो इसका तीनों साइड ही इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये वाला हो गया ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एक आता था स्केलिन ट्राइंगल, दूसरा है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, और तीसरा है हम लोगों का इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसके ऊपर अगर हम क्लासीफाई करेंगे ट्राइंगल्स को, इसके आधार में भी तीन ठो हम लोगों का टाइप निकलेगा ट्राइंगल्स का। पहला वाला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहला वाला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? कि एक ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका तीन ठो एंगल का वैल्यू है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये एंगल, ये ट्राइंगल तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों एंगल का ही वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा वाला है राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा वाला होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल को किसको बोलेंगे? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, किसी भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो 90 डिग्री है इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ये जो 90 डिग्री है इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। मतलब एक ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है या फिर राइट एंगल है, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा वाला आएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तीसरा वाला आएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, वो हो जाएगा हम लोग क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। मतलब मान लो अगर ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, तो इसका वैल्यू मान लो कि 120 डिग्री है, मान लो कि 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम लोग का हो जाए, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हम उसी को बोलेंगे जिसका, जिस ट्राइंगल का किसी भी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल के आधार पर अगर ट्राइंगल को क्लासीफाई करेंगे तो तीनों आता है, एक आता है एक्यूट एंगल, दूसरा आता है राइट एंगल, और तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल।
ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर आप किसको बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर क्या है? देखो मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब जो ट्राइंगल है ये, इसको ये तीनों क्या है, वर्टेक्स है, ए बी सी तीनों वर्टेक्स है और ये तीनों हम लोगों का क्या साइड है, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स से हम उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तीनों वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ए वाला एक वर्टेक्स है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ, बी सी हो गया, तो ये इसके ऊपर हम लोग क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला बी एक वर्टेक्स है, बी का ऑपोजिट साइड क्या ए सी है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये वाला तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। सी एक वर्टेक्स है तो इसका ऑपोजिट साइड के ऊपर हम लोग क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसको ये सीधा होगा, ठीक है, ये एकदम सीधा होगा ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि एक ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, मान लो कि ये ई है, ठीक है, ये डी है मान लो कि ई है और ये एफ है, ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ताकि हम लोग क्या ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बी ई है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, सी ए के ऊपर, और जो सी एफ है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोगों क्या ए बी के ऊपर, सी एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोगों का ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर साइन है, मतलब क्या ये वाला परपेंडिकुलर साइन है, और ये परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री करके, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर देखो हम लोग क्या इस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इसको मान लो ओ पॉइंट, ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, इसको हम बोल सकते हैं ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर या फिर तीनों ऑल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट से मीट हो रहा है, जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे क्या ऑर्थो सेंटर, इस ओ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या है कि ट्राइंगल का तीनों परपेंडिकुलर या फिर तीनों ऑल्टीट्यूड अगर किसी भी कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है तो उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ हम लोग क्या इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट जो टर्म है जो कि मीडियन, नेक्स्ट जो टर्म है वो है मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जो कि ए बी और सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल का हमेशा याद रखना, जैसे हम लोग बोले थे कि ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में क्या ट्राइंगल का हर एक वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो कितना परपेंडिकुलर था टोटल, ऑल टोटल तीन परपेंडिकुलर था, तीन ठो परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन में भी क्या तीन ठो मीडियन रहेगा, जैसे परपेंडिकुलर थ्री था वैसे है मीडियन भी ट्राइंगल का क्या तीन ठो मीडियन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स के वर्टेक्स से ऑपोजिट जो साइड होगा उस ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करेंगे एकदम मिड पॉइंट में, डिफरेंस यही है। मतलब मान लो बीसी का मिड पॉइंट यहाँ पे है, मान लो बीसी का मिड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो मिड पॉइंट से हम लोग इसको जोड़ देंगे। मान लो एसी का मिड पॉइंट यहाँ पे है तो मिड पॉइंट से हम लोग इसको जोड़ देंगे ऑपोजिट वर्टेक्स के, और मान लो इस एबी का मिड पॉइंट यहाँ पे है तो मिड पॉइंट से इसको हम जोड़ देंगे, तो इसका नाम देंगे एडी, इसको बी, इसको सी एफ। दिखने के अगर शेप देखोगे, डायग्राम देखोगे तो दोनों ही सेम है, ये मीडियन और पीछे इससे पहले जो ऑर्थो सेंटर किए थे दो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है जो ऑर्थो सेंटर हम लोग किए थे वो ऑपोजिट वर्टेक्स के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, मतलब क्या वो सब परपेंडिकुलर था या फिर ऑल्टीट्यूड था, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और या फिर ऑल्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो बीसी वाला साइड है, बीसी वाला साइड के मिड पॉइंट चूज किए और इसको जोड़ दिए, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिए इस पॉइंट के साथ। एसी का मिड पॉइंट ई है, ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिए, एबी का मिड पॉइंट एफ है, ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिए, मिड पॉइंट है, इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि जो बीडी है ये सीडी से इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो सीई है ये एई से इक्वल हो जाएगा, ये बीएफ है ये एएफ से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट हम लोग का कॉमन पॉइंट होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं जी नाम दिया, ये वाला कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसका देखो तीन ठो ऑल्टीट्यूड हो गया ट्राइंगल का, मतलब तीन ठो मीडियन हो गया, यहाँ पे तीन ठो, जैसे ऑल्टीट्यूड तुम्हारा हम लोग का क्या तीन ठो हुआ था,
पिछले ऑर्थो सेंटर में तीन ठो ऑल्टीट्यूड था या तीन ठो परपेंडिकुलर था, यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर नहीं है या ऑल्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे ये सारा हम लोग क्या मीडियन है। मीडियन क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल का मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, ऑपोजिट वर्टेक्स है जो ऑपोजिट साइड है, इस ऑपोजिट साइड का ये वाला मिड पॉइंट है, तो वर्टेक्स से जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है सारा, इसलिए यह क्या मीडियन है। यहाँ पे ट्राइंगल का क्या तीन ठो मीडियन है, एक तो ए डी, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी है। ये तीन ठो हम लोगों का क्या मीडियन है, मतलब एक ट्राइंगल का कितना मीडियन हो सकता है, तीन ठो मीडियन हो सकता है। यहाँ पे तीन ठो हम लोगों का मीडियन है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ठीक से सुन लो, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है कि जो साइड है, साइड का मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो ये जो जी पॉइंट में मीट हो रहा है, तीन ठो मीडियन देखो जी पॉइंट से गुजर रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट जो जी है, ये जी पॉइंट से गुजर रहा है, तीन ठो ही मीडियन गुजर रहा है, तो इस जी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये वाला जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड। मतलब क्या, तीन ठो मीडियन, एक ट्राइंगल का तीन ठो मीडियन जिस पॉइंट में मीट कर रहा है या जिस पॉइंट से गुजर रहा है, जो कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। ये सेम पॉइंट से गुजर रहा है, ऑल द मीडियंस पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड द सेम पॉइंट इज टर्म्ड एज सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा, और एक तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड उस मीडियन को हमेशा 2:1 ये रेशियो में कट होगा, 2:1 इस रेशियो में कट करेगा। किसी भी सेंट्रॉइड, किसी भी ट्राइंगल का कोई भी सेंट्रॉइड, ठीक है, उस मीडियन को हमेशा 2:1 रेशियो में कट करेगा। मतलब क्या, ये जो ए डी को अगर मीडियन को मान लो, तो ये ए जी है और जी डी है, तो ये वाला 2 होगा तो ये वाला 1 होगा, मतलब 2:1 रेशियो में कट करेगा। मतलब ए जी और जी डी क्या होगा, 2:1 होगा, ए जी इज टू जी डी 2:1 होगा। फिर से देखो, ये वाला मीडियन है, सी एफ वाला मीडियन है, तो सी जी है और जी एफ है, तो सी जी एंड जी एफ क्या होगा, 2:1 होगा, सी जी एंड जी एफ होगा 2:1। उसके बाद देखो बी ई है, तो बी जी होगा, जी ई होगा, ठीक है, तो ये बी जी इज टू जी, ये भी हम लोग क्या 2:1 होगा। मतलब कोई भी मीडियन, कोई भी मीडियन को, ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांट देगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछ लेता है। तो ये हो गया हम लोगों का मीडियन एंड सेंट्रॉइड, ठीक है। दिखता है एक ही है, मतलब ऑर्थो सेंटर की तरह, लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है। वो वाला परपेंडिकुलर था ऑर्थो सेंटर वाला, और ये मीडियन है, ये वाला का मिड पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, इसलिए कभी कभी इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है इन सर्कल एंड इन सर्कल। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन सर्कल, इसको बोलेंगे इन सर्कल, ठीक है। और इस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये वाला हो जाएगा मेरा क्या, इन सर्कल। और जो सेंटर है, जिस सेंटर को हम लोग मान लो आई बोलेंगे, तो ये आई हो जाएगा क्या, इन सेंटर, तो आई को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर, और जो सर्कल है, उस सर्कल को हम लोग बोलेंगे इन सर्कल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल। ये कैसा होता है, सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल। ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन इस ट्राइंगल का हम लोग क्या अंदर सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, इस ट्राइंगल का बाहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस ट्राइंगल का बाहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला कॉम, ये जो बीच में जो पॉइंट, इस पॉइंट से हर एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको हम लोग मान लेते ओ बोल दिए, ठीक है, ये नाम है ए बी और सी, तो ये जो ओ वाला पॉइंट है, इस ओ वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर,
ठीक है। और जो सर्कल है, क्योंकि सर्कल बाहर वाला बाहर में ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। तो ये हो गया सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। हम लोगों को पता है कि इस ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, कि कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो कोई भी अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का हमेशा क्या, तीन ठो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। तीन ठो एंगल का सम हमेशा क्या 180 डिग्री आएगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो ये हमेशा क्या 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आता है हमेशा कोई भी ट्राइंगल का, चाहे वो स्केलिंग हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोस्केलिस हो, चाहे राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जो तीन ठो एंगल है, तीन ठो एंगल का सम हमेशा कितना 180 डिग्री आता है। तो ये हम लोगों का क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बेसिक चीज़ है, सभी को मालूम है, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये भी तुम लोग पढ़े हो लोअर क्लास में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब क्या, कोई भी ट्राइंगल का अगर अंदर हम एंगल चूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और ट्राइंगल का बाहर अगर एंगल्स देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मान लो कि ये वाला एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल हम लोग क्या है ABC, मान लो इसका नाम दी ABC, ठीक है। तो ये अंदर में जो एंगल रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, किसी भी एक साइड का ट्राइंगल का कोई भी एक साइड तुम एक्सटेंड कर दो, कोई भी एक साइड तुम एक्सटेंड कर दो तो जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल। तो मान लो कि हम BC साइड को एक्सटेंड कर दिए ए तक, मान लो इसको हम एक्सटेंड कर दिए डी तक एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो ये जो एंगल प्रोड्यूस किया इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या तीनों हो सकता है, क्योंकि तुम इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। जैसे तीनों इंटीरियर एंगल है वैसे ही तीनों एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है कि कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होगा सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें ऑपोजिट वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मतलब मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब एंगल ACD ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये इक्वल किससे होगा, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम से। तो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल सम से इक्वल होगा। ये वाला भी इंटीरियर एंगल, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इसको छोड़ के जो रिमेनिंग दो ठो एंगल होगा उसको लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इससे इक्वल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल भी। तो यही हम लोग का क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी तुम लोग पढ़े हो लोअर क्लास में, ये भी तुम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पढ़े थे लोअर क्लास में कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा हम लोगों का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ये क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है सिमिलर। मान लो कि दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और ऐसा ही एक ट्राइंगल है यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है सिमिलर, ठीक है। तो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल या फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कब बोलेंगे, कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी बोलेंगे जब दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम शेप होगा एंड सेम साइज होगा। दोनों ट्राइंगल का जब एग्जैक्टली सेम शेप होगा या फिर सेम साइज होगा तभी हम दो ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब क्या, ये दो ट्राइंगल देखो अगर एक के ऊपर तुम इसको बिठा दोगे, किसी भी एक ट्राइंगल को फिक्स करके दूसरे को उठा के उसके ऊपर अगर तुम बिठा दोगे तो दो ट्राइंगल क्या एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। मतलब मान लो ये वाला ट्राइंगल अगर तुम इसके ऊपर बिठा के इसके ऊपर रख दोगे तो ये क्या एक ही ट्राइंगल दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो एक ही ट्राइंगल हो जाएगा। मान लो क्या होगा कि मान लो ABC जो ट्राइंगल है ये फिक्स किया हुआ है, ये तुम रखे हो और इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर से अगर देखोगे तो तुम्हें एक ही ट्राइंगल नजर आएगा, दो ट्राइंगल नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल का क्या शेप सेम है और सेम साइज है। अगर एक ही ट्राइंगल नजर आएगा तुमको कि इसको उठा के इसके ऊपर बिठा दोगे फिर भी तुमको एक ही ट्राइंगल नजर आएगा, दो ट्राइंगल नजर नहीं आएगा, तब हम तुमको उसको क्या बोलेंगे कि दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का
कॉन्ग्रुएंस, मतलब क्या, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ये जो ए वर्टेक्स है ये पी से मैच हो जाएगा, जो बी वर्टेक्स है ये क्यू से मैच हो जाएगा, और जो आर वर्टेक्स है ये भी सी से मैच हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा, ए जो वर्टेक्स है ये पी से मैच हो जाएगा, ठीक है, बी जो वर्टेक्स है ये क्यू से मैच हो जाएगा, और सी वाला जो वर्टेक्स है ये आर से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स वर्टेक्स मैच हो जाएगा, तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, दो ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों ट्रायंगल का शेप भी सेम है, दोनों ट्रायंगल का साइज भी सेम है। तो ये जो इसको उठा के इसके ऊपर बिठा दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर इम्पोज करना, सुपर इम्पोज, इसको लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज बोलेंगे। मतलब ये जो इसको उठा के तुम इसके ऊपर बिठा दे रहे हो, या फिर इसको फिक्स करके इसको इसके ऊपर बिठा दे रहे हो, तो क्या दोनों ट्राइंगल क्या सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब ऊपर से अगर तुम देखोगे दोनों को अलग से तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, दोनों तुमको एक ही लगेगा, मतलब तुमको लगेगा कि एक ही ट्राइंगल है, दोनों नहीं है, जब तक इसको तुम सेपरेट नहीं करते। मतलब क्या, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर क्या बैठ गया, सुपर इम्पोज हो गया, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का सेम शेप है, दोनों का सेम साइज है। अगर ऐसा नहीं है तब दोनों ट्राइंगल क्या तुम्हें डिफरेंट रहेगा, दोनों ट्राइंगल का साइज सेम ना हो, साइज शेप सेम ना हो, तो दोनों तुम्हें अलग से नजर आएगा, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर लेंथ साइड या फिर एंगल कुछ भी इधर उधर हो गया थोड़ा सा, तो क्या छोटा बड़ा हो जाएगा, तुम्हें नजर आ जाएगा कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या, दोनों ट्राइंगल का शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, ताकि तुम किसी ट्राइंगल को उठा के अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के ऊपर बिठाओगे, मतलब क्या सुपर इम्पोज करोगे, तो तुम ऊपर से अगर देखोगे तो एक ही ट्राइंगल नजर आएगा, दोनों ट्राइंगल तुम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक तुम उसको सेपरेट ना करो। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। तो दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, मतलब क्या दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम है, तब दो ट्राइंगल्स को हम लोग क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स क्या एक दूसरे से मैच हो जाएगा, मतलब ए वर्टेक्स पी से पी के ऊपर बैठ जाएगा, जो बी वाला वर्टेक्स है वो क्यू के ऊपर बैठ जाएगा, जो सी वाला वर्टेक्स है वो आर के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कि दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चारठो क्राइटेरिया है, टोटल ऑल टोटल चारठो या चारठो तुम लोग का सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिसाइजली बोलेंगे और अच्छे से बोलेंगे तो टोटल पाँचठो क्राइटेरिया आता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का सिलेबस में चारठो क्राइटेरिया ही है। तो पहले एक्सरसाइज के लिए दो ठो क्राइटेरिया हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके लिए फिर दो ठो क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग दो ठो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए दो ठो क्राइटेरिया और दिया हुआ है, उसको तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो मान लेना दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके बाद दोनों ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल, वो करस्पॉन्डिंग एंगल मैच हो जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग साइड, वो करस्पॉन्डिंग साइड मैच हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग मतलब है जब तुम ये जो ये ट्राइंगल को इसके ऊपर बिठा रहे हो, मतलब इस ट्राइंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो क्या जो वर्टेक्स जैसे मैच हो गया एक दूसरे के ऊपर, वर्टेक्स जैसे मैच हो गया कि ए से ए वर्टेक्स से पी वर्टेक्स मैच हो गया, बी वर्टेक्स से क्यू वर्टेक्स मैच हो गया, सी वर्टेक्स से आर वर्टेक्स मैच हो गया, वैसे ही एंगल भी मैच हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और साइड भी मैच हो जाएगा। तो जो एंगल दूसरे किसी भी एक ट्राइंगल का जो एंगल है, वो दूसरे एंगल दूसरे ट्राइंगल का जो भी एंगल के साथ मैच हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। एक ट्राइंगल का कोई भी एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल का कोई भी एंगल के ऊपर मैच हो जाएगा, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा, तब उस एंगल का हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर एग्जैक्टली ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही अगर साइड की बात करें, तो जब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर हम लोग बिठाएंगे, तो जो साइड एक ट्राइंगल का कोई भी साइड दूसरे ट्राइंगल का कोई भी साइड के ऊपर बैठ जा रहा है, मतलब मैच हो जा रहा है, तब उस दो साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या सेम हो जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस जो अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कंक्लूशन है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कंक्लूशन क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड मैच हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि एक ट्राइंगल को अगर सुपर इम्पोज कर रहे हो किसी भी ट्राइंगल के ऊपर, तो जो एंगल्स मैच हो जाएगा, एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर अगर बैठ जाएगा, तो उस दो एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ऐसे ही एक ट्राइंगल का जो भी साइड है, वो साइड किसी भी ट्राइंगल के ऊपर अगर बैठ जा रहा है किसी भी साइड के ऊपर, तो उस दो साइड को हम लोग बोलेंगे क्या, करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे अगर ये ट्राइंगल को तुम मान लो कि इसके ऊपर बिठा रहे हो, मतलब सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो ये जो ए बी वाला साइड है, ए बी वाला साइड क्या पी क्यू वाला साइड के ऊपर बैठ जाएगा,
मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग हो गया क्या पी क्यू। अच्छा बी सी जो साइड है बी सी साइड के ऊपर क्या क्यू आर साइड बैठ जाएगा, तो बी सी का करस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, और ए सी वाला जो साइड है ये पी आर वाला साइड के ऊपर बैठ जाएगा, तो ए सी वाला हो जाएगा करस्पॉन्डिंग क्या पी आर। मतलब इसके ऊपर इसको तुम बिठा रहे हो, सोचो इसके ऊपर इसको बिठा रहे हो तो क्या इसके ऊपर ए वाला बैठेगा ये साइड बैठेगा, तो ए वाला ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ए सी पी आर का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये साइड का हो गया। अब एंगल का बात करेंगे तो जब इसके ऊपर तुम ए वाला बिठा रहे हो तो पी एंगल से क्या ए एंगल मैच हो जाएगा, ठीक है, बी एंगल से क्यू एंगल मैच हो जाएगा और सी एंगल से आर एंगल मैच हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा तो एंगल ए किसके ऊपर बैठ जा रहा है, पी के ऊपर बैठ जा रहा है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। बी एंगल से क्यू एंगल मैच हो रहा है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, और सी एंगल के ऊपर आर एंगल मैच हो रहा है तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर साइड का बात करेंगे ये हो गया हम लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स। साइड का अगर बात करेंगे तो ए बी के ए बी से करस्पॉन्डिंग क्या पी क्यू, क्योंकि इसके ऊपर तुम बिठाओगे तो ए बी ही पी क्यू के ऊपर बैठ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, ए बी का करस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, ठीक है। बी सी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्यू आर, बी सी का करस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, और जो ए सी है ए सी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी आर, ए सी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हम लोगों का पी आर। तो ये हो गया हम लोगों का करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों का क्या इक्वल हो जाएगा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। अच्छा तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये कॉन्ग्रुएंट का कंक्लूजन हो गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होने का जो कंक्लूजन है यही होता है कि दो ट्रायंगल को जब सुपर इम्पोज करते हैं तो उस दोनों ट्रायंगल अगर सेम एग्जैक्टली सेम शेप और एग्जैक्टली सेम साइज होगा तो रूट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस होगा कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है। देखो दो क्राइटेरिया इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दोनों क्राइटेरिया एक आता है हम लोग क्या साइड 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 और दूसरा आता है साइड एंगल साइड, ए फॉर एंगल, ठीक है, ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड। तो एस 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 एंड एस ए एस, एस 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 मतलब साइड 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 एंड एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। तो ये दो अलग से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए ये दो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। चलो तो पहले दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एस 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 वाला क्राइटेरिया, साइड 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 ये वाला क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। तो मान लो दो ट्राइंगल है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ये दो ये और एक ट्राइंगल है मान लो कि डी ई एफ है ये, ठीक है, ये डी ई एफ। तो एस 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 मतलब क्या तीन टू साइड है, एस 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 मतलब तीन टू साइड, मतलब ये थ्योरम क्या है और ये क्राइटेरिया क्या है कि दो ट्राइंगल का अगर तीन टू करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल का तीन टू करस्पॉन्डिंग एक कोई भी एक अगर दो ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल का कोई भी दो ट्राइंगल का अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स तीन टू करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दूसरे वाला ट्राइंगल का तीन टू करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होता है तो दो ट्राइंगल का हम लोग क्या बोलेंगे एस 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 थ्योरम के आधार में दो ट्राइंगल का हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। मतलब मान लो कि एक ट्राइंगल है इसका इसको पर इसको अगर बिठा देंगे हम तो मान लो कि ये दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम शेप है और एग्जैक्टली सेम साइज है दो ट्राइंगल को पहली बार तो एग्जैक्टली सेम शेप होना होगा एग्जैक्टली सेम साइज होना होगा। तो इसको अगर तुम इसके ऊपर बिठा दोगे तो ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ मैच हो जाएगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ मैच हो जाएगा और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड इसके साथ मैच हो जाएगा, मतलब तीन तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका जो तीन तो साइड है ये ट्राइंगल के ऊपर इस ट्राइंगल का तीन तो करस्पॉन्डिंग साइड से मैच हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे तीन टू साइड मैच हो रहा है, मतलब इसको एस 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 आधार में हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे कि एस 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 मतलब क्या तीन टू साइड, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल जिसका तीन टू साइड दूसरे वाला ट्राइंगल का तीन टू साइड के ऊपर अगर सेम हो जाएगा मतलब करस्पॉन्डिंग हो जाएगा तब उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो ए बी है ये ए बी करस्पॉन्डिंग हो जा रहा है किसके से डी से, ठीक है, और ये जो बी सी है ये करस्पॉन्डिंग हो रहा है ई एफ से और ये जो ए सी है और ये एसी करस्पॉन्डिंग हो रहा है डी एफ से। तो देखो तीन टू साइड है, तीन टू करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब तीन टू एस एस ये एस मतलब साइड है, मतलब तीन टू साइड है, यहाँ पे देखो तीन टू साइड ही इक्वल हो रहा है इसलिए इस एस 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 आधार में हम लोग क्या बोलेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको लिखेंगे कैसे कि ट्राइंगल ए बी सी ये वाला कॉन्ग्रुएंट साइन है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट साइन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है, एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा
कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हो गया, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हम लोग का क्या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा उसके बाद उसका कंक्लूशन क्या आता है कि दोनों ट्राइंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गया हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग ये थ्योरम क्या है, SSS थ्योरम है, मतलब तीन तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होगा तो ही एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोल सकते हैं, क्योंकि पहला वाला क्राइटेरिया है, SSS क्राइटेरिया यही डिफाइन करता है। तो ये दो ट्राइंगल उसके बेसिस पे हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिए, तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया अभी दो ट्राइंगल, तो इसका कंक्लूशन क्या आएगा कि जो दो ट्राइंगल है उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो ट्राइंगल को ऑलरेडी हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिए बाई SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मतलब क्या, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है कि ये इस एंगल से ये वाला करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू मेरा क्या एंगल डी बन जाएगा, एंगल बी है इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा एंगल ई, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा एंगल एफ, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का SSS थ्योरम व SSS क्राइटेरिया पहला वाला। अगर एक ट्राइंगल का तीन तो साइड्स, किसी भी ट्राइंगल का तीन तो साइड से करस्पॉन्डिंग हो गया, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो गया दो ट्राइंगल का, तीन तो करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो जाएगा, तो उसको दो ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो दो ट्राइंगल को जब लिखेंगे, यहाँ पे जो ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तब वर्टेक्स मैच करके लिखेंगे। वर्टेक्स मैच करके मतलब ये ए वर्टेक्स था, ए जो वर्टेक्स है, ये ए वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स कौन सा है, डी वर्टेक्स है, वी वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स कौन सा है, ई वर्टेक्स है, और सी वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स एफ वर्टेक्स है, क्योंकि तीनों ट्राइंगल, दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। मतलब ए वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, डी हो गया, बी वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सी वर्टेक्स से सिमिलर वर्टेक्स क्या, एफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब इसके ऊपर ये तुम सुपर इम्पोज कर दोगे तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ए वर्टेक्स से डी वर्टेक्स मैच हो जाएगा, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी हो गया, बी का ई हो गया, सी का एफ हो गया। तो देखो, जब हम यहाँ पे ए बी सी डी एफ लिखेंगे तब ये वर्टेक्स मैच करके लिखेंगे। मतलब क्या, पहले अगर तुम ए डाले हो तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, डी है, तो पहले यहाँ पे डी डालना होगा। बी अगर बाद में डाले हो तो बी का तुम्हारा करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा, ई है, तो बाद में तुम ई डालोगे। अंत में सी अगर अंत में डाले हो तो सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा, एफ है, तो इसको एफ डालोगे। ऐसे मैच करके हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, जो मैच करके वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे और देखो इसमें भी लिखेंगे, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसमें भी लिखेंगे। मतलब अगर तुम ए बी सी यहाँ पे डाले हो ना तो इसको तुम ई डी एफ नहीं बोल सकते, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ई डी एफ अगर बोलेंगे तो देखो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तुम ए डाले हो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ठीक है, तो ए के ए से करस्पॉन्डिंग क्या है, डी वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग है, तो पहले डी आना चाहिए, तो देखो डी नहीं आया है, पहले ई डाल दिए तुम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमको करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो मैच करके ही लिखना होगा, ये कॉन्ग्रुएंट में भी और ये साइड में भी। देखो ए का वर्टेक्स हमारा क्या डी वर्टेक्स है करस्पॉन्डिंग, फिर तो हम पहले ए डाले तो पहले डी ई डालोगे। अगर ए को तुम बाद में डालोगे, मतलब इसको अगर तुम बी ए लिखोगे तब ये बदल जाएगा, तब इसको तुम ई डी लिखोगे, इसको तब तुम ई डी लिखोगे तब सही है। इसको अगर बदल दोगे तो इसको भी तुम्हें बदलना होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो मैच होगा मैच करके ही तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला थ्योरम कि SSS थ्योरम। दूसरा वाला है साइड एंगल साइड। ठीक है, दो क्राइटेरिया, दूसरा वाला क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस करने का, जो कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देखो साइड एंगल साइड ये क्राइटेरिया क्या है, नाम से पता चल रहा है कि एक एंगल है। साइड एंगल साइड मतलब क्या, दो साइड और एक एंगल होगा। ठीक है, तो मान लो कि दो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ किए, ए बी सी है और यहाँ पे मान लो पी क्यू आर है, नाम थोड़ा बदल दिए, ये पी क्यू आर कर दीजिए अभी। ठीक है, डी एफ नहीं लिखे, इसको पी क्यू आर कर दिए। तो देखो ये जो SSS थ्योरम है और SSS क्राइटेरिया, ये क्या है, दो साइड और एक एंगल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या होगा, दोनों साइड का मिडिल में होना होगा। ये जो एंगल हम चूज करेंगे, वो एंगल का हम लोग क्या, दोनों साइड का मिडिल वाला एंगल लेना होगा। मतलब जो दो साइड तुम चूज करोगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो SSS है, मतलब दो साइड एक एंगल, तो दो साइड और एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल से दो साइड एक एंगल से करस्पॉन्डिंग होना होगा। ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि SSS थ्योरम से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जो दो साइड हम लोग चूज करेंगे, ठीक है, उसका मिडिल में ये एंगल होना होगा। अगर मिडिल में एंगल है तो ही हम लोग SSS थ्योरम से इसको जस्टिफाई करके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। अगर एंगल मिडिल में नहीं होगा तो नहीं कर सकते। तो मुझे देखना होगा कि जो एंगल हम लोग ले रहे हैं ये दो साइड का बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें इसलिए इसको इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल होना होगा। इंक्लूडेड मतलब क्या, दोनों साइड का
मिडिल में होना होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ए बी है इससे करस्पॉन्डिंग मान लो कि पी क्यू है, ठीक है, कि इसको पर जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ए बी से पी क्यू बैठ जा रहा है, ठीक है। तो ए बी से पी क्यू करस्पॉन्डिंग हो गया, बी सी से करस्पॉन्डिंग हो गया क्या क्यू आर, तो बी सी से करस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर, तो दो साइड आ गया। अब एक तो एंगल आना चाहिए, तो अब एंगल क्या होगा, दो साइड का बीच में आना होगा। तो देखो दो साइड का बीच में एक ही एंगल आता है जो कि ये है, ये दो साइड के बीच में एक ही एंगल आता है जो कि ये है Q, मतलब एंगल B से एंगल Q को भी करस्पॉन्डिंग होना होगा। तो देखो दो तो साइड हो गया, एक तो एंगल हो गया, मतलब और एंगल क्या है, दो साइड के बीच में ही मिल गया हम लोगों को। तो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। मतलब लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ए बी सी और जो वर्टेक्स है वर्टेक्स मैच करके लिखना होगा, क्योंकि ए से कॉमन, ए से क्या हो रहा है मेरा करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी आ रहा है, तो इस यहाँ पे ए पहले डाले है तो यहाँ पे भी हम लोग पी पहले डालेंगे। बी से देखो क्यू करस्पॉन्डिंग आ रहा है तो बी यहाँ पे बाद में डाले, यहाँ पे क्यू डालेंगे और अंत में सी यहाँ पे आर डाल देंगे। तो मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, बाई ए से एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाई ए से एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखो इसको कॉमन, इसको वर्टेक्स वाला जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से मैच करके मुझे लिखना होगा। इसको अगर हम बदल देंगे तो उस हिसाब से ये भी मेरा बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको ए बी सी ही लिखना है, तुम सी बी ए भी लिख सकते हो, तो भी इसको आर क्यू पी लिखना होगा। मतलब इसको जैसे तुम चेंज करोगे उस हिसाब से इसको भी चेंज करना होगा, मतलब वर्टेक्स मैच करके तुम्हें लिखना होगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी साइड में भी। तो देखो ये जो ए बी करस्पॉन्डिंग, ए बी से करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, पी क्यू करस्पॉन्डिंग हो गया, बी सी से करस्पॉन्डिंग मेरा क्यू आर हो गया, और बीच में दोनों साइड के बीच में देखो बी एंगल है, यहाँ भी दोनों साइड के बीच से क्यू एंगल, तो बी से क्यू करस्पॉन्डिंग है मान लो। तो ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है, दो साइड एक एंगल और जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ए से एस के आधारित पे, ए से एस के बेसिस पे, साइड एंगल साइड के बेसिस पे। और अगर मान लो कि ये अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है, कि दूसरा वाला एंगल दिया, मान लो इससे इस ये वाला करस्पॉन्डिंग बोल दिया, तब हम इसको तब इसको क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल दोनों साइड का बीच का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी दो साइड एक एंगल है, इससे करस्पॉन्डिंग है, इससे करस्पॉन्डिंग है, और इस एंगल से करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, मतलब दो साइड एक एंगल यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल दोनों साइड का बीच का नहीं है, ठीक है। ये दोनों साइड के बीच का एंगल ये वाला होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला देगा तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि दो ट्राइंगल दे देगा तुम लोगों को, और उसमें तुम देखना कि दो साइड एक एंगल तुमको मिलेगा, ठीक है, और गलती कहाँ होता है कि दो साइड एक एंगल मिलने के बाद ही क्या एस एस थ्योरम से वो कॉन्ग्रुएंट स्टूडेंट लोग प्रूफ करके आ जाता है, लेकिन देखता नहीं है कि जो एंगल है वो एंगल तुम्हारा क्या बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस दोनों साइड एक एंगल मिल गया तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आ जाएगा। तो ऐसा मत करो, ये गलत है। चेक कर लेना कि जो एंगल है वो दोनों साइड जो तुम लिए हो, जो दोनों साइड करस्पॉन्डिंग हो रहा है, वो दोनों साइड का बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको एक बार चेक कर लेना दो साइड एक एंगल मिलने के बाद, उसके बाद कन्फर्म करके तुम एस एस करके उसको प्रूफ करके निकल जाना, ठीक है। तो ये था दो क्राइटेरिया, एस 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 और एस एस, ठीक है। ये और एक और दो ठो क्राइटेरिया है, एक आर एच एस होगा और एक ठो ए ए से होगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो 10.1 वाला एक्सरसाइज होगा, उसके लिए यही थ्योरी काफ़ी है। इससे 10.1 वाला एक्सरसाइज जो था एम एल अग्रवाल में, जो तुम लोग का बुक में है, 10.1 वाला पहला वाला एक्सरसाइज इस थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 10.2 जो एक्सरसाइज होगा उसके लिए और दो ठो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का, तब वो हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में ये थ्योरी सेशन था, ठीक है, थ्योरम वाला सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और 10.12 को जो क्राइटेरिया है थ्योरम का उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।